की मुलाकात चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर ये मुलाकात हुई है, ये खबर मिल रही है। सिंगर मूसेवाला अब हमारे बीच नहीं रहे और इंसाफ की गुहार परिवार ने लगाई होगी। गृह मंत्री अमित शाह से एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इंडस्ट्री को भी, और साथ ही एक ही एक बेटा था सिद्धू मूसेवाला अपने माता पिता का, वो भी नहीं है उनके साथ। और गृह मंत्री अमित शाह से आप देख रहे हैं, इनकी मुलाकात चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर हुई है। मनोज कुमार मेरे सहयोगी मुझे और जानकारी देंगे। मनोज, क्या बातचीत हुई है? बिल्कुल, आज एयरपोर्ट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो सिद्धू मूसेवाला का परिवार है उसने मुलाकात की, और जिस तरीके से हाल ही में एक पत्र भी लिखा था मूसेवाला के पिता ने, उसी को लेकर उन्होंने मांग उठाई है कि उनके बेटे की जो मौत हुई है, हत्या हुई है, उसमें उनको न्याय की दरकार है, न्याय होना चाहिए, और वो चाहते हैं कि पूरे मसले की जाँच जो घटना की है किसी केंद्रीय एजेंसी से इसकी जाँच की जाए, NIA से कराई जाए। तो उम्मीद ये की जा रही है कि सरकार इसको मानने जा रही है, हालांकि आधिकारिक तौर पर भी कोई बयान नहीं आया, लेकिन बीजेपी के कुछ नेताओं से जो हमारी बातचीत हुई है उनका यही मानना है कि जो परिवार की मांग है उसे सरकार पूरा करेगी। जी, तो सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिले हैं गृह मंत्री अमित शाह, और इंसाफ की मांग परिवार कर रहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि मनोज लगातार हमारे साथ बने हुए, मनोज, पंजाब में गैंग वॉर कोई नई बात नहीं है, कई गुट ऐसे पंजाब में हैं, इंडस्ट्री के भीतर हैं, तो ऐसे में पूरी इंडस्ट्री भी सख्ते में आ गई थी इस खबर के सामने आने के बाद। तो पंजाब सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है, और क्या पंजाब सरकार की तरफ से इस मुलाकात के बाद कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? जी बिल्कुल, देखिए पंजाब की अगर हम बात करें तो इसको एक बॉलीवुड इंडस्ट्री कहा जाता है, जहाँ चाहे म्यूजिक इंडस्ट्री हो या फिल्म इंडस्ट्री हो, ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जिनको जो गैंगस्टर हैं बाकायदा फिरौती के लिए धमकी देते हैं, और इसीलिए उन्होंने सरकार से सुरक्षा की भी गुहार लगाई थी, और जिस तरीके से सुरक्षा हटाई गई तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो पंजाब की है, म्यूजिक इंडस्ट्री है, इससे जुड़े जो लोग हैं, कलाकार हैं, गायक हैं, वो चिंतित थे। और अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में हाल ही में सरकार ने कहा था कि 7 जून से सभी की सुरक्षा बहाल कर दी जाएगी, इसके अलावा जो भी और कोई सुरक्षा के लिए आवेदन कर रहा है तो थ्रेट परसेप्शन का आंकलन करके उनको भी सिक्योरिटी मुहैया कराई जाएगी। तो अब कुल मिला के सरकार सुरक्षा को लेकर गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है, और 7 जून से बाकी जो 424 लोग थे उनकी सुरक्षा तो बहाल हो ही जाएगी, और भी नए लोग जिनकी थ्रेट परसेप्शन है उनको सुरक्षा दी जाएगी, सरकार ने ऐसा कहा है। जी ठीक है, एक बार दर्शकों की जानकारी के लिए मनोज फिर से बता दीजिए, परिवार आखिर चाह क्या रहा था बेटे को खो देने के बाद? क्या मांग, क्या गुहार लगाई होगी अमित शाह जी के सामने, क्या मांग क्या की होगी एग्जैक्ट? जी बिल्कुल, देखिए सिद्धू मूसेवाला के जो पिता है बलकौर सिंह, उनका ये कहना था पहली बात तो की जो हत्या हुई है उसमें उनको न्याय चाहिए, और न्याय चाहिए तुरंत न्याय चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत समय लग जाए, और वो चाहते हैं कि पंजाब पुलिस के बजाय इस पूरे मामले की जांच CBI या NIA से कराई जाए, क्योंकि इसमें बड़े गैंग शामिल हैं जिनका जिनके तार विदेश से जुड़े हुए हैं, कनाडा में बैठा गैंगस्टर गोल्डी बराड जिसने इसको क्लेम किया था, जिम्मेदारी ली थी कि मैंने सिद्धू मूसेवाला का कत्ल किया है, तो ऐसे में पंजाब पुलिस सक्षम नहीं है इसकी जांच करने के लिए, इसलिए इसकी जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी जो केंद्र की हो उससे करवाई जाए। इसके साथ साथ उन्होंने एक मांग सिटिंग जज से कराए जाने की मांग की थी हाईकोर्ट के, हालांकि हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने इस सरकार ने भी इसके लिए रिक्वेस्ट किया था, उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है। तो अब परिवार ये चाहता है कि कोई बड़ी एजेंसी, जांच एजेंसी जो सेंटर की है वो इसकी जांच करे, तो उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार इसको लेकर जरूर उनको आज आश्वासन दिया होगा, भरोसा दिया होगा। जी ठीक है मनोज, हम आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख लीजिए, जो मुलाकात हुई है ये चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई है गृह मंत्री से, परिवार की जो गुहार है, इंसाफ की गुहार दरअसल, और परिवार चाहता है कि केंद्रीय जांच एजेंसी इस मामले में पूरी जांच करे, और पिता रोते हुए अपने बेटे के जाने के बाद लगातार कह रहे हैं कि मेरे बेटे को हमसे अलग कर देने से, उसकी जान लेने से आखिर हासिल क्या हुआ है। अब इस पर क्या केंद्र सरकार फैसला लेगी ये निकलकर सामने आ जाएगा। मनोज बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर रखिएगा, अपडेट के लिए हम लौटेंगे वापस वहीं।